हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट का एक्सरसाइज 1.2, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने पहले ही अपलोड कर लिया था। आप आई होप आप सभी ने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर इनकेस आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। फाइंड एंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब यस निकालना है आपको। एंगल कितना है? एंगल थीटा 144 डिग्री। और आपको एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर भी निकालना है। तो देखिए, पहले तो रेडियस है नहीं, रेडियस ला सकते हो कैसे? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 पाई, पाई गेट कैंसल। तो आर की वैल्यू कितनी बनेगी टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद? 5 सेंटीमीटर। देखो प्लस माइनस 5 होता है बट लेंथ निगेटिव नहीं होती, तो इसके लिए रेडियस जो है लेंथ है, तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। थीटा जो है 144 डिग्री है, डिग्री का कन्वर्शन किस में करना है आपको? रेडियन में, ठीक है। तो 144 इंटू पाई बाय 180, और ये रेडियन कन्वर्शन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब 2 से काट दो इसको, 2 से करोगे तो कितना होगा? 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 आ गया यहाँ पे, और इधर 90 आ जाएगा इसका हाफ, ठीक है। 2 से करोगे, अब ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आएंगे? 9 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 18 की बैठ है, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, तो 4π/5 थीटा कितना मिल गया हमें यहाँ पे? 4π/5 रेडियन। अब आते हैं हमारे फार्मूला की तरफ। वी हैव लेंथ ऑफ एन आर्क, हमारे पास एक फार्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क यस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा है ना ये फार्मूला। आर की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर देंगे, इंटू थीटा कितना है? 4π/5, इसलिए हमने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। 5 गेट कैंसल, तो कितना हो गया? 4π सेंटीमीटर। देखो लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यस इक्वल्स टू 4π सेंटीमीटर। अब आते हैं हम एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर के ऊपर। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, देखो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर का ये फॉर्मूला है 1/2 r² × θ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये यूज़ करने से अच्छा क्या कर लो, आप डायरेक्टली r यस भी यूज़ कर सकते हो इसका। और एक फॉर्मूला बनता है ना r² को, मैंने ऐसे लिखा था r × θ। तो r × θ मतलब यस होता है, तो 1/2 r × s फॉर्मूला बन गया, ठीक है। r × θ कितना होता है? यस। तो इसके जगह यस, क्योंकि यस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई यहाँ पे। तो रेडियस है 5, यस कितना है? 4π। आया समझ में? एक मिनट, ये देखो 1/2 r × s, ये 1/2, r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और यस की वैल्यू कितनी है? 4π। अब देखो 2 2 जा कितना हो रहा है? ये 2 2, ये 5 है, हाँ ये है 5। तो 1/2 5 4 जा 20, 20π, 2 10 जा, तो 10π एरिया जो है कितना आ गया? 10π। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया? 10π² सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट लिखना पड़ता है आपको एरिया का, तो 10π² सेंटीमीटर। राइट डाउन प्रॉपरली। चलो सेकंड प्रॉब्लम पढ़ते हैं आप, मतलब 7th नंबर का प्रॉब्लम। OAB इज अ सेक्टर, कौन सा? OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर O, सेंटर O निकाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितने हैं? 12 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल AOB, देखो फिगर कैसे ड्रॉ करना है, AOB, तो वो सेंटर है, तो यहाँ से स्टार्ट करा मैं, AOB 45, ऐसा लगना चाहिए 45 है करके, ठीक है। तो 45 दिख रहा है ये रेडियस, फिर OA और OB क्या हो गया? रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, यानी ये देखो OAB डिफरेंस चाहिए हमें, OAB और क्या बोला है, ट्रायंगल AOB। तो इस तरीके का ये फॉर्म करना होगा आपको, देखो ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है AOB। तो आपको क्या करना है, इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना होगा, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन निकाला है मैंने, इसका एरिया कैसे? देखो कोई अगर ऐसी फिगर है, यानी ये हो गया आर्क, ये सेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एरिया निकालना है। देखो ये ऐसा इनक्लोज कर दिया मैंने, यानी ये तो एरिया इनक्लोज बाय दिस कॉर्ड, यानी ये ट्रायंगल हो गया। तो क्या होता है कि एरिया जो है आपको, अगर ये चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द एरिया बोला गया है ना,
कौन सा एरिया, ये सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब इसमें से आप ट्रायंगल माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ ए ओ बी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, बट यहाँ पे हाइट नहीं है तो फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से हाइट के लिए। ठीक है, तो ये होगा परपेंडिकुलर हाइट 90 डिग्री, बराबर परपेंडिकुलर। अब इजीली कर सकते हो आप, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लो, साइन थीटा वगैरह हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हम आते हैं ये इसके ऊपर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना है, 45 डिग्री, राइट। मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 45 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर लो 45 × π/180, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, π/4, हमें पता है कैंसलेशन करने के बाद कितना आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए अब, तो 45 मतलब कितना होता है, π/4 रेडियन, कर लो कैलकुलेशन, आ जाएगा आपका π/4। चलो, तो नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है कि रेडियस कितना है, रेडियस दैट इज़ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू कितना, 12 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस है ओ ए और ओ बी, तो सेम रहेंगे 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो मेजर हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, ओ ए बी। देखो ओ ए बी मतलब ये बाहर से, ठीक है, ये पूरा सेक्टर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल एंगल का यूज़ कर सकते हो, सेंट्रल एंगल यानी ये थीटा। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा, तो π/4 हो गया। ठीक है, तो बोलो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² × θ होता है ना ये फॉर्मूला, 1/2 r की वैल्यू है 12 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, π/4। कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 12 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 12 × 12, और ये 4 × 2 = 8 होता है, या फिर 2 × 4 = कर लो, कोई प्प्रॉब्लम नहीं। अब काट दो इसको, 4 × 3 = 12, 2 × 6 = राइट, तो 6 × 3π 18π, कितना हो रहा है ये 18π, चेक कर लो बराबर है। ठीक है, राइट, 2 × 6 = 12 और 4 × 3 = 12 होता है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने ये 6 × 3 = 18, 18π स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। चलो, आया समझ में, यहाँ तक के एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें क्या हो रहा है कि ए बी कुछ यहाँ पे हाइट, यहाँ पे बी एम दे दो, बी एम तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बी एम जो है परपेंडिकुलर टू द ओ ए। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अगर बी एम की वैल्यू चाहिए तो बी एम की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ये बेस हो गया, बेस इंटू हाइट, इससे निकाल सकते हो, तो बेस तो फिक्स है ओ ए। अब देखो 90 के अपोजिट साइड क्या हो गई, ये हाइपोटेनियस होती है, ओ बी है ना हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइन रेशो, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एक्चुअली ये आर होता है ना, आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो साइन कितना है ये साइन थीटा, थोड़ा सा पहले मैं बना लेता हूँ फॉर्मूला, साइन थीटा ही रहने देता हूँ। अपोजिट साइड कौन से है यहाँ पे, अपोजिट साइड देखो बी एम है, ठीक है, अपोजिट साइड बी एम है, हाइपोटेनियस कौन है, ओ बी है मतलब आर है, राइट, समझ में आया, अरे बोलो सही है ना, बी एम और ये बी एम इक्वल्स टू आर इंटू साइन, हाइपोटेनियस मतलब क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है ना, हाइपोटेनियस देखो 90 का अपोजिट साइड क्या है, रेडियस है, तो बी एम जो है आप कैसे लिख सकते हो, आर इंटू साइन थीटा। देखो फिर हर प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला बना सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि बी एम की वैल्यू क्या हो गई,
यानी जो अपोजिट साइड है बी एम इक्वल्स टू क्या हो गया आर साइन थीटा, राइट। अब आते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है अपना ए ओ बी, क्या फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, सही ना फॉर्मूला। देखो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 एज इट इज़, बेस मतलब क्या है रेडियस है, ओ ए रेडियस है ना, बेस क्या है रेडियस। और हाइट देखो हाइट मतलब क्या है ये बी एम, ठीक है। और अच्छे से लिखना है, देखो बेस कौन सा है ओ ए है, ओ ए बेस, हाइट कौन सी है बी एम है। अब आपके पास ओ ए की भी वैल्यू है, बी एम की भी वैल्यू है, ओ ए क्या है आर है आर, और बी एम क्या है आर साइन थीटा। तो एक न्यू फॉर्मूला रेडी हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कभी आ रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 1/2 आर इंटू आर आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वेन एंड वेन देयर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इस यूनिट में आ रहा है तो आप क्या यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए फॉर द एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप ये फॉर्मूला बाद डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। जिनको अगर ये पूरा लिखना है कंसेप्ट तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बताया मैंने कैसे, अगर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा होता तो आपको समझ में नहीं आता कैसे लिया है, तो इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट लिखा है। यहाँ पे ट्रायंगल लिया ए ओ बी, फिर उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि आपको हाइट चाहिए थी, ये कंस्ट्रक्शन जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये पूरा हाइट वगैरह, फिर साइन रेशियो ले लिया क्योंकि आपको अपोजिट साइड की वैल्यू चाहिए थी, अपोजिट साइड कितना था बी एम था, हाइपोटिनियस आर था रेडियस, ठीक है। तो आर इधर कर दिया आर साइन थीटा, बी एम की वैल्यू आर साइन थीटा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ओ ए, हाइट कितनी है बी एम, बस वैल्यू पुट कर दिया, आ गया समझ में। देखो अब आपको आर की वैल्यू पता है, आर मतलब रेडियस कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो, साइन थीटा, थीटा भी फिक्स है, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर सकते हो आप, ठीक है। साइन 45 निकाल रहे हो इसलिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है। ये अपॉन टू, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इसको कर दो कितना होगा, ये कितना हो रहा है 2 से काट दो 72, और ये √2, समझ में आया। देखो 2 से अगर काट दिया तो इसको 2 7 14 और ये 2, अभी 72 को भी आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे √2 है तो इसको 2 बना सकते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं हम, 72 into √2, ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया रैशनलाइजेशन, तो फिर कितना बनेगा ये 2 बनेगा, ये 72 और ये √2 से फिर से डिवाइड कर दो 72 को, 36 बनेगा 36√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल्स टू 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, तो आ गया समझ में। एरिया यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया 36, ये 2 से काट दिया मैंने ना 72 को, तो 36 आ गया 72 का हाफ, चलो। और ये रैशनलाइजेशन किया, आ गया हमने √2 है तो √2 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और लेकिन आपको क्या चाहिए, मेन आंसर क्या चाहिए आपको, डिफरेंस बिटवीन के लिए फिर यहाँ पे लिखना होगा आपको। देखो डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, क्या कर लेते हैं हम, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, क्योंकि सेक्टर मेन है ना, सेक्टर से कम क्या है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है 18 पाई, ठीक है, ये है ना एरिया ऑफ सेक्टर, तो 18 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 36√2। अब कॉमन करना है, ठीक है। तो कॉमन क्या कर सकते हो आप, देखो इसमें से आप कॉमन क्या कर सकते हो, 18 कॉमन कर सकते हो क्योंकि 18 के टेबल में आता है ये, तो 18 कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में कितना आएगा पाई, क्योंकि 18 चला गया, अब 18 का टेबल बोलो 36 आने तक के, 18 2 जा तो ये √2 हो गया, ये रिक्वायर्ड एरिया।
अब यहाँ पे लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगा उसका यूनिट। तो ये प्रॉब्लम मैंने अच्छे से ही बताया आपको, हर एक जो टर्म्स थे वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, हर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, फिगर ड्रॉ किया बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, कभी भी ध्यान में रखिए, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन द एरिया निकालना है तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट डाउन प्रॉपरली। नेक्स्ट नंबर 8, ओ पी क्यू इज द सेक्टर, फिर से वही प्रॉब्लम उसी टाइप का, हैविंग द सेंटर एट ओ, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर क्या है यहाँ पे, ओ है, फिक्स है। अब फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय एन आर्क पी क्यू एंड कॉट पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये पी ओ, यहाँ पे कुछ क्यू, क्योंकि 30 डिग्री चाहिए, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आ गया समझ में? ये कॉर्ड, कॉर्ड पता है ना, इस तरीके की जो है ये क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो ये कॉर्ड, तो फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क, आर्क क्या है, पी क्यू। तो ये देखो ये होती है आर्क, तो आर्क और इस कॉर्ड के बीच का एरिया, मतलब ये बीच वाला एरिया निकालना है आपको, ठीक है। देखो समझ लो, ये आर्क पी क्यू और ये क्या है, कॉर्ड, एरिया इनक्लोज बाय द कॉर्ड, तो कॉर्ड के बीच का एरिया, ये कॉर्ड पी क्यू है और ये आर्क पी क्यू, बाहर वाले आर्क, ठीक है, ये अंदर वाली क्या है, कॉर्ड। आया समझ में ये फिगर? तो इस तरीके के जो फिगर है वो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में भी। और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री। रेडियस कितनी है, रेडियस ओ पी और ओ क्यू 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा आपको, क्लियरली दिख रहा है ट्रायंगल वहाँ पे, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, वो फॉर्मूला। चलो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो तुरंत, और सबको पता है 0 कैंसल, 3 6 18, तो 5/6 रेडियन, ठीक है। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, फाइंड द एरिया ऑफ, अच्छा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हाँ थी बराबर है, हाँ तो 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क, तो यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है आपको कि एरिया इनक्लोज बाय, एरिया इनक्लोज बाय एन आर्क, आर्क पी क्यू। तो एरिया इनक्लोज बाय एन आर्क पी क्यू मतलब क्या हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर वाला, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आर स्क्वायर साइन थीटा नहीं, वो ट्रायंगल में आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर पहला फॉर्मूला अपना क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर मतलब है 15 का स्क्वायर आएगा, रेडियस है ना 15, तो 15 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है 5/6। अब इसका कैलकुलेशंस करना है, देखो 15 का स्क्वायर 225 पाई, 6 2 12, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू, ठीक है। देखो आपको ये निकालना था ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये, यहाँ पे हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि इसने पूछा है यहाँ पे फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर्क पी क्यू एंड कॉट पी क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा है, तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। डायरेक्टली आपने एरिया ऑफ सेक्टर भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि वो फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है यहाँ पे, देखिए ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये देखो ओ पी क्यू इज अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू 225 पाई अपॉन 12, तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा,
देखो लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था कैसे आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला, ठीक है, उसको डिराइव किया था। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं डायरेक्टली 1/2 r² sin θ। r कितना है 15 का स्क्वायर साइन थीटा, साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री है ना, ठीक है, रेडियन में करो डिग्री में करो, वो तो साइन 30 की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, वो सेम ही आएंगी। 15 का स्क्वायर 225, ये 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 × 2 = 4, तो 225/4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय एन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलो लिखो, चलो हो गया। अब देखो, अब फाइनल आंसर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है एरिया, ये दोनों हो गया, इसके नीचे वाली स्टेप एरिया इनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है OPQ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है, ये आ गया समझ में फॉर्मूला आपके। चलो इसको एरिया ऑफ सेक्टर पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 225/π/12 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 225/4। अब इनमें से कॉमन कर दो, ठीक है, तो कॉमन क्या होता है, देखो कॉमन कैसे निकालते हो आप समझ लो अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 225π है, 225π, तो 225 तो डायरेक्टली निकल जाएंगे, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 × 3 लिख सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन आता है, अब 225 ऊपर दिख रहे हैं, 225 ऊपर में से कॉमन ले लो यहाँ से न्यूमरेटर में से, और डिनोमीटर में से 4 ले सकते हो, तो इसको कर दो कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 225 चला गया, 4 चला गया, पाई बाय 3 पाई रहेगा और 3 रहेगा माइनस, ये पूरा चला गया मतलब 1, ठीक है। तो यह है रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें चाहिए था वो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, और यूनिट क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट डाउन, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर गिवन है सेक्टर का पूरा, द ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया, एरिया उस सर्कल का गिवन आपको 25π, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन, तो लिख लेते हैं हम पहले एरिया ऑफ सर्कल कितना है 25π स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या है, ये पेरीमीटर है किसका, सेक्टर का, ठीक है, तो सेक्टर का पेरीमीटर आपको लिखना होगा 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करूँ, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखो क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम ऐसा यहाँ पे कुछ सेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये एंगल हो गया, तो इसको मान लेते थोड़ा सा OAB, ये हो गया सेक्टर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सेक्टर का पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ दी सेक्टर, ये देखो ये पेरी, ये पूरा क्या है सेक्टर है, ये पूरा होता है सेक्टर, समझ में आया, ये पूरा क्या होता है सेक्टर, तो ये क्या होगा यस है, ये क्या है आर है, ये आर, रेडियस प्लस यस, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब लेंथ ऑफ दी सेक्टर, पता है ना आपको, ठीक है। अगर ट्रायंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करते हो, तीनों साइड का सम कर लेते हो, एडिशन कर लेते हो, बस वही टेक्निक यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, तो पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो इससे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये 25π गेट कैंसल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25, चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 5 बनेगा 5 सेंटीमीटर रेडियस, तो रेडियस हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ हमारा जो पेरीमीटर है वो कंडीशन लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है ना यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कितना होता है, ये देखो कैसे करोगे, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ये गिवन है, पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे बनता है, मैंने पहले बोला है टोटल लेंथ ऑफ द सेक्टर मतलब आर प्लस यस, क्या बनाना है आपको,
आर प्लस यस इक्वल्स टू 20, राइट। देन आफ्टर आर प्लस आर कितना होता है, ये 2R, और ये यस, यस फॉर दी लेंथ ऑफ आर। यस मतलब क्या, ये 5 नहीं है, क्या है ये, यस है, ध्यान में रखिए, ये क्या है, यस, यस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये 20, 2 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 2 इंटू 5, आया समझ में, चलो बोलो आ गया समझ में। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आता ऐसे, तो आर की वैल्यू पुट कर दो, आर कितना है 5, प्लस आर कितना है 5, हो गया इजी, 5 प्लस 5, लेकिन कन्फ्यूजन दूर रखो, ये 5 है, ये 5 है, ये यस है, क्या ये यस है, ध्यान में रखिए, 5 प्लस 5 10, तो यस, ये 20, तो आपको यस की वैल्यू चाहिए लेंथ ऑफ एन आर्क, तो 20, ये प्लस 10 इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 10, कितना हो रहा है 10, 20 में से 10 गए, 10 बचे, तो ये हो गया यस, यस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हो, आपको तो चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, 1/2 r² θ और 1/2 r × s, तो 1/2 r² θ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी थीटा है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 r × s, ठीक है, 1/2 r × s, पुट अप द वैल्यूज ऑफ r एंड s, 1/2, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ रेडियस, 5, और यहाँ पे ये कितना है लेंथ ऑफ द आर्क, 10 है, चलो कैलकुलेशंस करो, 2 5 10, देखो 1/2 5 × 10 हो रहा है, 2 5 10, तो कितना हो रहा है ये 25, 5 5 25, तो फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे 25। आपको यूनिट क्या लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका ये यूनिट है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का, तो वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइनल आंसर। चलो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, अगेन सेम टाइप है क्वेश्चन का, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर गिवन है 65, नहीं, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, देखो ये सर्कल का एरिया है, और ये क्या है, ये लेंथ है, मतलब ये पेरीमीटर है, ठीक है, डिफरेंस है, देखो स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और ये सेंटीमीटर है मतलब ये पेरीमीटर गिवन है, तो आपको लिखना है यहाँ पे पहले एरिया ऑफ सर्कल, फिगर सेम ही रहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है यहाँ पे 64 π² सेंटीमीटर, देखो स्क्वायर सेंटीमीटर है मतलब एरिया है, समझ में आया, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना यहाँ पे कोई भी, तो एरिया ऑफ सर्कल है π r² फॉर्मूला, पाई गेट कैंसल, r² = 64, टेकिंग स्क्वायर रूट 8 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 सेंटीमीटर, r = कितना होगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब आते हैं पेरीमीटर की तरफ, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ पे 56 सेंटीमीटर, हाउ मच 56 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर नाउ OA प्लस OB प्लस AB, मतलब क्या हो रहा है r + r + s, सीधा लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब क्या हो रहा है, टोटल लेंथ ऑफ दैट सेक्टर, r + r + s इक्वल्स टू 56, आपको पता है r की वैल्यू कितना है यहाँ पे, r की वैल्यू गिवन है, यस 8 है, ठीक है, निकाली हमने, गिवन नहीं थी हमने निकाला है, तो r की वैल्यू 8 पुट कर दो, 8 + 8, और ये यस, ये 56, 8 और 8 कितने हो रहे हैं 16, ये यस, यस, ये 56, आपको यस की वैल्यू चाहिए लेंथ ऑफ आर्क की, तो 56, ये प्लस 16 है, इधर शिफ्ट कर दो, माइनस बनेगा, 56 में से 16 अगर चले गए, माइनस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 40 हो जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क है ये, क्या है, यस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, जिनको पता नहीं वो लिखो यहाँ पे, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब क्या करते हैं हम, ये तो हो गया, फाइनल आंसर क्या चाहिए आपको, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, 1/2 r² θ होता है, बट नहीं यूज़ करेंगे हम, सेकंड वाला यूज़ करेंगे, r × s, क्यों, यहाँ पे थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपके पास यस की वैल्यू है और आर की भी वैल्यू है, तो ये यूज़ करो, जो आपके पास है उसके बारे में सोचो, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में कभी सोचो ही मत, ठीक है, यही फंडा है सिंपल सा, 1/2 r × s, r 8 होता है, यस कितना है 40 है, चलो कर दो कैलकुलेशन, 2 4 8, राइट, 2 4 8, तो 4 × 40,
4 × 16 मतलब 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये 160 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 इज कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू।